मात्र 8 दिन बचे हैं NDA 2022 एग्जामिनेशन में। उम्मीद है आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी और मुझे आशा है कि बिल्कुल आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है और आप जबरदस्त कॉन्फिडेंस में हैं। खुद पे भरोसा, खुद पे विश्वास, एक जबरदस्त ऊर्जा के साथ बढ़ना है और आप रॉक स्टार हो और आप जाके बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले हो आने वाले NDA के 4 सितंबर एग्जाम में और कमाल करने वाले हो। और मुझे पता है आप उसके लिए पूरी तरह से कमर कस के तैयार हो चुके हैं। देश में जितने भी MKCians हैं जो NDA एग्जाम देने जा रहे हैं और साथ ही साथ जितने भी NDA के बच्चे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल बेटा, नए जोश, ऊर्जा और जोश के साथ बढ़िए, आप बेहतर करके आएंगे इस एग्जाम में। साथ ही साथ कुछ विशेष अपडेट भी जो आपके लिए ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के संदर्भ में जाना। एडमिट कार्ड आप सबने डाउनलोड कर लिया होगा और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं UPSC नॉर्म्स के आधार पे जो एग्ज़ाम के दौरान ज़रूरी होते हैं, उसके विषय में भी आपने प्रॉपर तरीके से स्टडी कर लिया होगा। UPSC अपने एग्जाम इंस्ट्रक्शंस को लेकर के बेहद स्ट्रिक्ट है, इसलिए हर बार हजारों बच्चे जो कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हैं, इस वजह से उन्हें NDA एग्जाम से बाहर कर दिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे जो आपको रियली फॉलो करना चाहिए अगर वाकई में UPSC में आप बिल्कुल काम, क्वाइट और रिलैक्स होकर के बेहतर ढंग से एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो भी बच्चे 4 सितंबर एग्ज़ाम के लिए बढ़ रहे हैं, आपको कंप्लीट आपके जितने भी पेपर हैं उनका PDF ऑल अवेलेबल कराएगा मैजिकल सी क्लासेस के वेबसाइट पर। और साथ ही साथ YouTube चैनल पे कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन भी आप देखेंगे MKC के ऑफिशियल, और साथ ही साथ आंसर की भी आप ले सकते हैं मैजिकल सी क्लासेस के वेबसाइट पे जाकर के। तो बिल्कुल पूरे देश के हर NDA एस्पिरेंट से कहना चाहता हूं कि आपको कहीं भी नहीं जाना है, मैजिकल सी के प्लेटफॉर्म से आंसर की से लेके वीडियो सॉल्यूशन हर चीज़ आपको बिल्कुल ऑथेंटिक, एक्यूरेट और सबसे पहले अप टू द मार्क तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आज समझते हैं कि क्या ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो UPSC एग्जाम के दौरान आपको ख्याल रखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, डाउनलोड द एडमिट कार्ड। बहुत सारे बच्चे ऐसे एंड एग्जाम से एक दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, इसलिए उनको एग्जैक्टली सही समय पर उनका एग्जाम सेंटर और लोकेशन नहीं पता चलता और एग्जाम देने नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए सबसे आग्रह है बेटा कि एडमिट कार्ड फटाफट आज के आज जाएं, डाउनलोड करें और उसको सेफ्टली अपने साथ कैरी करें, दैट मीन उसको सुरक्षित तौर पर अपने साथ कैरी करने की कोशिश करें। दूसरी चीज, एग्जाम सेंटर। जिन बच्चों का एग्जाम सेंटर उनके होम डिस्ट्रिक्ट में है, बेसिकली उनको तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है, बट जिन बच्चों का एग्जाम सेंटर अलग डिस्ट्रिक्ट में जाता है, सिटीज में जाता है या स्टेट में जाता है, उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। बट ये दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको एग्जाम से एक दिन पहले उस लोकेशन पे पहुंच जाना है और अपने सेंटर को जाकर के आइडेंटिफाई कर लेना है कि आखिर आपका सेंटर कहां पर है, और कोशिश करनी है कि नेक्स्ट डे जब एग्जाम में आपको जाना हो बेटा तो 1 आवर बिफोर आप जाकर के वहां पे रिपोर्ट कर दें। थर्ड, बहुत से बच्चों का फोटो एडमिट कार्ड पर दिखाई नहीं देता है, ऐसे में बच्चों को बिल्कुल घबराना नहीं है, अपने साथ कम से कम 2 रिसेंट जो अपनी फोटोग्राफ हो उनको लेके जाएं, जैसे सेंटर पे जब क्रॉस वेरिफिकेशन इन चीजों का किया जाए तो आपके पास वो फोटोज अवेलेबल हो और आपको किसी भी तरह की वहां पर दिक्कत ना हो और आपको एग्जाम कंफर्टेबली देने दिया जाए। साथ ही साथ चौथे इंस्ट्रक्शंस की बात करें, आपने एप्लीकेशन फिल करते समय जो भी ID दिया है उसको जरूर साथ में लेके जाएं, और साथ ही साथ आधार कार्ड को भी कैरी करना जरूरी है। अपने साथ 2 ब्लैक और ब्लू पेन भी रख लें, क्योंकि आपको वहां पर जरूरत पड़ सकती है जब आप सर्किल कर रहे होंगे OMR सीट पे, तो आपके पास ब्लैक एंड ब्लू दोनों ही पेन अवेलेबल होनी चाहिए, बट उनकी संख्या कम से कम आपको 2 रखनी है। कुछ बेसिक गाइडेंस भी UPSC के आए हुए हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, और ये चीज़ें बिल्कुल कैरी ना करें साथ में, क्योंकि इन गाइडलाइंस का भी फॉलो करना आपके लिए ज़रूरी है। उम्मीदवारों को मोबाइल फ़ोन, पेजर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से स्टोरेज मीडिया जैसे पेन, स्मार्ट वॉच, ड्राइव, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इन वस्तुओं को ले जाने पर कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या हो सकती है। पहली चीज़ तो सबमिट कर ली जाएंगी, दूसरा आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है जिससे आपको भविष्य में परीक्षा देने में भी दिक्कत हो सकती है। तो आप इस तरह की किसी भी तरह की चीज़ को अपने साथ कैरी ना करें, और अगर कैरी करना है तो केवल एक चीज़ कैरी करें, दैट यू मस्ट कैरी योर कॉन्फिडेंस। आपको अपने आत्मविश्वास को कैरी करना है, कॉन्फिडेंस को कैरी करना है, जो अभी तक सच्चाई से आपने मेहनत किया है, सवाल लगाया है, एफर्ट्स किया है, उन चीज़ों को आपको बेहतर ढंग से कैरी करना है। तो ये पूरी डिटेल थी जो कि NDA एग्जाम के लिए आपके लिए ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी, और मैं यही कहना चाहता हूँ बेटा कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले 4 सितंबर एग्जाम के लिए, और बिल्कुल सोल्यूशन को लेकर, आंसर क्यू को लेकर मत घबराइएगा। MKC देश में सबसे पहले एक्टिव होगा, देश के हर NDA एस्पिरेंट के लिए सबसे सटीक और एक्यूरेट आंसर की और वीडियो सोल्यूशन के साथ। तो मैं आप सबको फाइनली यही कहना चाहता हूँ बेटा, ये दिन बहुत खास है और एग्जैक्टली आप इसके लिए इतना लंबा इंतजार करते हैं, तो यार अपना बेस्ट झोंक दो, माँ बाप का आशीर्वाद रखो, ईश्वर में भरोसा रखो, गुरुजनों का आशीर्वाद लो, और जा करके बिल्कुल चक दे फट्टे नब दे गिल्ली, बिल्कुल वाट लगा के आओ और बेहतर करके आओ, और आप सब में कैपेसिटी उस चीज़ को बेहतर करने का। तो मेरी तरफ से अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं, MKC हमेशा आपके साथ है और हर क्षण आपको ढेर सारा मोटिवेशन, गाइडेंस और सपोर्ट देता रहेगा आपके हर प्रोस्पेक्ट पे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।